So guys, आप सब अभी टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए डेफिनेटली और आप Snapex के साथ ट्रेडिंग करते हो और आज की इस वीडियो और इस कॉन्फ्रेंसिंग का जो उद्देश्य है यानी जो टॉपिक है वो रहने वाला है Snapex मेनली. Snapex के साथ लोग काफी सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है और इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंसिंग है. काफी सारे लोग इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हमारे साथ. अगर मैं नाम लूँ तो काफी सारे नाम है तो नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये सबको हाय यार गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच. एंड दिस वीडियो ये जो वीडियो है लाइव जाने वाली है यूट्यूब के ऊपर लाइव इन द सेंस कि मैं बाद में इसे अपलोड करने वाला हूं. तो इसके बाद पहले मैं एजुकेशन के रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूं Snapex के और उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन बहुत कम टाइम होगा क्योंकि एक एक करके आप पूछना लेकिन सिर्फ एक एक मिनट की क्वेरीज क्योंकि इससे बड़ी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी क्योंकि अपलोड करने में यार बहुत दिक्कत होती है. सबसे पहले मैं बता देता हूँ Snapex जो है वो प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए क्योंकि बैनरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ. और मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग में आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें. स्क्रीन शेयरिंग में आपको कुछ पीपीटीज दिखाने वाला हूँ मैं तो उसको आप देख लो और काफी सारी चीजें आपको उससे जो है सीखने को मिलने वाली है. ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको और उससे आप देख सकते हो. ठीक है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन शेयरिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ स्ट्रेटजीज और बेसिक से लेके सारी एडवांस चीजें बताने वाला हूँ अबाउट Snapex. ठीक है तो Snapex बेसिकली देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के एनालिसिस प्रोवाइड होते हैं. हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे एंड फंडामेंटल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होता है. तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है हम शॉर्ट टाइम के लिए कंसिडर कर सकते हैं एक मेथडोलॉजी एक हमारे मेथड को कंसिडर कर सकते हैं एंड अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ जाती है उस केस में. ठीक है एंड अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे ना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अब मैंने आपको बता दिए लेकिन अब ये नहीं मैंने आपको बताया कि आप कैसे यूज कर सकते हो उसे. तो उसके लिए मैं बता देता हूँ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस को देखना चाहते हो तो आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो. काफी सारी एप्लीकेशंस या गूगल पे डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाएंगी चीजें. अब मेरे पास Snapex से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं सर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे फॉलो करूं मैं यानी कैसे हम जज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को या फिर स्ट्रेटजीज को यूज करके कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं. ठीक है मतलब हम ट्रेड जो लेंगे उसको किस तरीके से किस बेसिस पे जो है एडमिट कर सकते हैं मतलब किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं ट्रेडिंग को कि हमें किस तरीके की ट्रेडिंग लेनी है. गाइस यार इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया था जिसकी वजह से शायद अभी मुझे बाहर मतलब लाइक हटना पड़ा. इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है यार लाइक इस टाइम पे बहुत स्लो होता है और रात के टाइम पे अभी मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि मैं आप लाइव जा सकूं तो ये है सिस्टम. तो यहाँ पे इसी वजह से तो अभी मैं कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ देन आई विल प्रोसीड फर्दर. ओके तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था आप सबसे तो वो है गाइज जब हम Snapex में ट्रेडिंग लेते हैं ना तो सबसे बड़ी जो इश्यू आता है सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम आता है हमारे साथ तो वो आता है हमारे साथ स्ट्रैटजी को लेकर. ठीक है स्ट्रैटजी को लेकर आता है और उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे सारी चीजें कि स्ट्रैटजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो मैं स्क्रीन शेयरिंग में आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है तो यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है अभी देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप देख पा रहे हैं ना. तो यहाँ पे जैसे ही आपके तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी ये जो ट्रेंड लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं तो भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज हैं वो सेम नहीं होती हैं. जैसा कि आप जो स्ट्रेटजीज होती हैं काफी बार सेम देख लेते हो बाइनरी मार्केट में यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगी आपको हल्की फुल्की चेंजेस आपको हमेशा मिलते रहते हैं यहाँ पे. ठीक है तो अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने वाला हूँ स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग. मैंने अपलोड की हुई वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मेनली जो इम्पैक्ट डालता है आपके इसके ऊपर सबसे मेन जो चीजें रहती है वो रहती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है सबसे मेन स्ट्रेटजी होती है. यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो. ठीक है Snapex के अंदर नहीं फॉरेक्स में किसी भी ब्रोकर के साथ. अब यहाँ पे देखेंगे आप ये जो लाइन देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको. तो यहाँ पे ना जैसे ही आपकी जो एग्जैक्टली हिट हो रही है ट्रेड और उसके बाद आपको अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की इंडिकेशन मिल जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफर टू 5 मिनट 15 मिनट और 1 आवर अगर आप इतने टाइम का चार्ट रखते हैं तो उसके बेसिस पे आप ये स्ट्रेटजी अच्छे से यूज कर पाएंगे. बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ प्लेस ऑफ ऑर्डर्स में भी आप अच्छे से कर पाएंगे और जो लेवरेज है उसको एडजस्ट करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी. क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं यार Snapex तो डाउनलोड कर लिया लेकिन इसका फायदा क्या है और कैसे हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे. तो यही है अगर आप इसे अच्छे से यूज करना चाहते हो ना तो यही एक तरीका है कि आप अच्छे से आपका जो लेवरेज है आपका जो ट्रेडिंग का मार्जिन है उसको अच्छे से यूज करो और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाओ. दिस इज द ओनली वे
जहां पे आप अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। अब देखो, डू यू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू फंक्शन स्नैपिक्स? तो यार यहाँ पे ना स्नैपिक्स को आप सच्ची से अच्छे से समझ कैसे पाओगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यार गाइस बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बोर नहीं होगी वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर स्नैपिक्स के प्लेटफॉर्म को समझना है तो यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद में आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं समझ आया अबाउट स्नैपिक्स, आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो फर्स्ट लेवल पे क्या आता है, मार्जिन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन सेट करना, आपको मार्जिन सेट करना होता है, और ये मैं लाइव भी करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप मार्जिन सेट करोगे और कैसे ट्रेड लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ट्रेडिंग में वो होता है मार्जिन सेट करना, कि आप कितने लॉस को ले सकते हो, बर्डन कर सकते हो, कितना लॉस आप हैंडल कर सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ही आती है। और दूसरा जो आता है वो आता है लेवरेजिंग। जो यहाँ पे लेवरेज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो जो सबसे अच्छी चीज है स्नैपिक्स के साथ, यहाँ पे इनटू 1500 भी आपको लेवरेज देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है ट्रेंड चैनल, तो ट्रेंड को आपको फॉलो करना होता है, क्या ट्रेंड अभी बेसिकली चल रहा है पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर, ये आपको फॉलो कर सकते हो आप न्यूज से, आप न्यूज को देख सकते हो आप, बहुत सारी चीजें होती है इकोनॉमिकल इंपैक्ट उसको चेक कर सकते हो, और भी बहुत चीजें, ठीक है। यहाँ पे टेक प्रॉफिट का एक सेक्शन है, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो ना, अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो और प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। स्टॉप लॉस भी देखो यहाँ पे है, और प्री सेट लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छी चीज लगी मुझे स्नैपिक्स के साथ। तो ये जो है कोर्स है, एक छोटा सा कोर्स आपको दे रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स इसको बोलते हैं ना स्नैपिक्स के बारे में, क्योंकि यार मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको हर एक ब्रोकर के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अगर कोई भी आपसे कुछ भी पूछता है कि भाई ये ब्रोकर क्या है, इसमें कैसे स्ट्रेटजी काम आती है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला भाई मैं तो सिर्फ ऑल इंटेड यूज करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, नहीं, आपको हर एक ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप यार लाइक कोई पूछे तो आपके पास जवाब हो उसे आंसर करने के लिए। मेरे साथ यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद जब मैं लेवल पे आया था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्या होता है सर, वो क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो मैं कई बार आंसर नहीं कर पाता था उन लोगों को। तो यही रीजन है कि आपको हर एक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेंड चैनल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन है, वो अभी मैं आपको देता हूं, एक सेकंड। यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप कैसे आप एक ट्रेंड को चैनल को फॉलो कर सकते हो। देखो यहां पे वॉल्यूम यहां पे 20 है, ठीक है। इस वॉल्यूम को 20 करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू करके एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड की डायरेक्शंस क्या है, यानी कि मार्केट की जो है अभी क्या चल रहा है हालात। आप इसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, आईओएस में भी, और जो दूसरी जो चीजें हैं वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आईओएस में और एंड्रॉइड में। देखो यहाँ पे ना कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगी। ये देखो नीचे लिखा है चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू, तो इसमें ट्रेडिंग व्यू में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, हमारे साथ अभी दो लोग और ज्वाइन होना चाहते हैं, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। आज कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, जितने लोग ज्वाइन होना चाहते हो वो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाएंगे यार लाइव पे, अब मैं जाने वाला हूँ आप लोगों के साथ, अब मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि लाइव आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी ट्रेड की। ओके, अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है। ओके, काफी सारे लोग मुझे चैट पे भी आंसर कर रहे हैं, चैट पे कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हैं, तो यार उनको बताना चाहूंगा रुक जाओ यार आंसर करूंगा आपको। काफी सारे लोगों ने चैट में कुछ पूछा है, आप सबके आंसर दूंगा, आप सबके क्वेरीज के आंसर होंगे यहाँ पे ही। अगर आपको कुछ पूछना है देन डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। ओके, बट पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। एक ट्रेड लेके देखते हैं, मैं अभी लाइव ट्रेड करता हूँ स्नैपिक्स के ऊपर, ठीक है। अभी मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ गाइस स्नैपिक्स के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ये स्नैपिक्स का प्लेटफॉर्म है। तो एक सेकेंड, मैं जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि यहाँ पे, हाँ अमित, अमित कैन यू हियर मी, अमित कैन यू हियर मी, यस सर आई कैन हियर यू। हाँ, तो यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन देख पा रहा हूँ। सिस्टम की जो स्क्रीन है वो दिख रही है? हाँ। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या देख पा रहे हो, स्नैपिक्स का चार्ट है? चार्ट है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपका आप जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइज लाइव चैट, लाइव ट्रेड लेके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लाइव लेंगे, एग्जैक्टली लाइव ट्रेड लेने वाले हैं, और कैसे लाइव ट्रेड लेंगे वो भी हमसे डिस्कस करने वाला हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे अभी स्नैपिक्स की वेबसाइट पे मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। स्नैपिक्स की हम वेबसाइट पे लॉगिन है, और यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है। अभी मैं अपना अकाउंट भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो अकाउंट है वो मेरा लॉगिन है, एंड लाइव अकाउंट से हूं मैं अभी। ओके, ये देखो रियल अकाउंट से अभी मैं हूँ। मैं अभी एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इशू, हमेशा से ही मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती है यहाँ पे इश्यू रहता है,
जब हम पूरा इसको मिनिमाइज नहीं करते तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, जस्ट अ सेकंड। ओके ओके गाइस, यहाँ पे ओके तो अब यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग इन है और मेरे अकाउंट में अभी लगभग 40 USDT अवेलेबल है, 40 USDT है मेरे पास। और अब हम एक ट्रेड लेंगे, लेकिन किस बेसिस पे लेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। देखो तो कैसे लेवरेज सेट करते हैं, कैसे मार्जिन सेट करते हैं और मार्केट ऑप्टिमल प्राइसेस कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे दो टाइप के आप ट्रेडिंग ले सकते हो, एक होता है प्रो और एक होता है क्विक। दोनों का मतलब आपको समझाने वाला हूं अभी मैं एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ लोग है जो यहाँ पे लेते हैं जो क्विक ही ज्यादातर फॉलो करते हैं, प्रो में कोई जाता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय और सेल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। बाय यानी लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी BTC USDT का जो चार्ट है वो ओपन है और अभी हमें ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं फॉर सम टाइम। कैसे मैं बता सकता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइंस, इनके बीच में आप गैप देख रहे हो, कितना बड़ा गैप है। हालांकि नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो ओवरलैप सिचुएशन में है, लेकिन ऊपर की ट्रेंड लाइंस के बीच में काफी गैप है। ये गैप फिल होने में लगभग देखो अभी ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है, देखो 15 मिनट का ये जो गैप है, इस गैप को फिल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। मतलब कहने का मतलब है, इस गैप को फिल होने में 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1-1.5 घंटे तक मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, ऐसी प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, प्रिडिक्शन सारी करेक्ट नहीं होती है, सारी प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं होती है, कुछ काफी हद तक गलत भी चली जाती है। तो यहाँ पे भी मैं लाइव अकाउंट से हूँ, मैं मार्जिन सेट करने वाला हूँ। मार्जिन मतलब होता है कि मैं कितना पैसा इस ट्रेड पे बर्डन लाइक कितना पैसा इस ट्रेड पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 USDT सेलेक्ट कर देता हूँ, इन फॉर्म ऑफ USDT यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ऑप्टिमल प्राइसेस को मैं नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। लेवरेज सेलेक्ट करना होता है तो मैं 25 का लेवरेज सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस और TP ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, आपको इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट अगर आपको होगा तो 40 का होगा और अगर लॉस होगा तो 16 का होगा, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे आपको $16 का लॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली ये ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। और जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाता है $40 का तो भी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x50 कर देता हूँ लेवरेज, ठीक है, x50 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे TP में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, TP में बढ़ा सकता हूँ तो प्रॉफिट भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं लेवरेज को 25 ही रखूंगा क्योंकि यार 20 की हमारी जब डॉलर का मार्जिन का USDT 20 है तो क्यों यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा को नहीं रिस्क ले रहा हूँ, छोटे USDT पे ट्रेड, मतलब छोटे लेवरेज पे ट्रेड लेने वाले। अब देखो मार्जिन एग्जैक्टली, अब यहाँ पे बाय और सेल का एक ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे सेल करना चाहूंगा, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसे सेल करूंगा। अब परफेक्ट एंट्री पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना आप एक स्ट्रैटजी के ऊपर जा सकते हो। लॉट्स ऑफ स्ट्रैटजी मैंने आपको बता दी, स्ट्रैटजी ही आपको जो है परफेक्ट टाइमिंग देने वाली है। स्ट्रैटजी ही आपको एक टाइमिंग देगी और स्ट्रैटजी ही आपको बताएगा एग्जैक्टली कि आप एंट्री पॉइंट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सेल करता हूँ एंड देखते हैं, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, एक सेकंड। तो यहाँ पे मैं इसको सेल करता हूँ एंड लाइक व्हाट हैपन, ओके, जस्ट एक बार कुछ इंडिकेशंस देखते हैं, क्या पता कुछ मार्केट चेंज तो नहीं हुआ। ओके तो यहाँ पे ओके गाइस, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं यार अभी मेरे साथ और थैंक यू सो मच यार गाइस फॉर कनेक्टिंग अस, आप सारे लोग जुड़े हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लास्ट की दो कैंडल है वो देखो यार ग्रीन कलर की बन गई है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा लेट कर दिया क्योंकि ट्रेंड्स मेरे को थोड़े से चेंज होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे हाँ ओके गॉट इट एंड मैंने सेल कर दिया है, 20 USDT मैंने लगा दिया भाई रियल मार्केट में। और मुझे क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है 3.75 स्नैप पॉइंट्स का। ओके अच्छी बात है भाई, स्नैपेक जितना सोचता है कि थोड़ा बहुत दे देता है, मतलब स्नैप पॉइंट्स दे देता है। ओके तो यहाँ पे जाते हैं पहले, यहाँ पे जो इसका वेब इंटरफेस है इससे मैं ज्यादा अवेयर नहीं हूँ इनके जो वेब इंटरफेस से कि कैसे इनका वेब इंटरफेस जो है यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग का जो सेक्शन है वो मुझे अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड क्योंकि मैं यहाँ पे जो इनकी मोबाइल इंटरफेस है उसी से ही यूज करता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखेंगे आप नीचे एक ट्रेड जो है वो प्लेस हो गई है, देखो यहाँ पे। और अभी जो है नेट
अभी आप, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग में दिखा रहा हूँ, नीचे देखेंगे आप नेट का जो प्रॉफिट है और लॉस है वो अभी चल रहा है -1.24, ठीक है, -1.24 चल रहा है। और हमने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, देखो ये रहा बीटीसी के अंदर 20 का और 25 के लेवरेज के हिसाब से, तो ऐसे यहाँ पे हम ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना अब देखोगे प्रॉफिट, अब हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो डिसीजन है वो देखना अब कैसे वेरी करता है और कैसे हम प्रॉफिट में जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते, अगर आप बहुत सारे लोग हैं अगर थोड़े टाइम पे रुकते यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट में रोल होते हुए देखते, जैसा कि आप देखेंगे -1.25 से ये 96 पे आ गया है अगर आप चेक करेंगे तो। हाँ यार शायद वो स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई थी शायद माइट पे इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट ने बहुत दुखी कर रखा है यार भाई आज। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी एक, आप सबको पता है यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी, एंड अगर आप इसका नेट लॉस देख रहे हो या प्रॉफिट देख रहे हो वो है -0.72, ठीक है, -0.72 पे हम चले गए अभी तक, सिर्फ अभी तक। एंड आपको भी पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, अब देखो -6.5.2 पे आप देखोगे, सिर्फ जब तक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है उसी के अंदर मैं इसको प्रॉफिट में आपको ला के दिखाता हूँ, सिर्फ जब तक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है उसके अंदर मैं इसको प्रॉफिट में दिखाता हूँ आपको। क्योंकि एक्चुअली क्या कि मैंने ये जो है लेवरेज भी कम सेट किया, इस पे अगर लेवरेज ज्यादा होता तो अब तक हम इसको प्रॉफिट पे आ चुके होते, ठीक है। 20 USDT है फिलहाल सिर्फ, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखो अगर आप एग्जैक्टली अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लो तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो, क्योंकि ये कोई मुश्किल प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर काफी सारे लोगों को क्वेरीज रहती है डिपॉजिट और विड्रॉ से लेके, तो यार इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ करना, डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर लो यार इनके सेलर से, वेंडर से, जिनका नंबर इन्होंने दे रखा है व्हाट्सएप का, उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो, ट्रस्टेड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका डिपॉजिट और विड्रॉ वो करवा देते हैं। अभी हम -0.44 के पे लॉस पे चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, इस पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ यार जिसको भी कोई क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं अभी पूछ लेता हूँ, स्टॉप करता हूँ मैं शेयरिंग को, उसके बाद हम आते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर। तो अब आप पूछ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले पिंटू जी को क्वेश्चन पूछने के लिए मैं कहता हूँ, पिंटू जी आपके पास, आप शायद रेज कर रहे हैं अपना हैंड, यू कैन आस्क अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। ओके पिंटू जी चले गए लगते हैं। ओके तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अनुज, जनीश, ऋतिक, सुधीर, कुलदीप, एनीबडी। ओके अनुज आपका माइक अनम्यूट है, अभी अनम्यूट है आपका माइक, यू कैन आस्क। जस्ट अ सेकेंड हाँ मैंने सबके माइक अनम्यूट कर दिए हैं, आप सब अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग स्नैपिक्स, लेकिन एक एक करके। किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, करेक्ट? अच्छा ऋतिक जी पूछिए। ब्रो वो आपने जो अभी ट्रेड लिया ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद मतलब अपवर्ड ट्रेंड भी पकड़ ले, क्योंकि अभी फिलहाल मोमेंट जो है बिटकॉइन का थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है, तो हो सकता है शायद अपवर्ड पकड़ ले, क्योंकि $10,000 को वैसे ही हिट करके बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार कि अपवर्ड पकड़ेगा, थोड़ी देर में पकड़ लिया अपवर्ड, मुझे क्या करना है, अगर मुझे तो सिर्फ $5 का प्रॉफिट भी मिलता है मैं $5 का प्रॉफिट लेके निकल लूंगा। मेरा मेन गोल क्या है, प्रॉफिट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो वो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। तो वो जो आपने वो एक फेक आईडी का जो शेयर किया था ना, हाँ आपने बोला था कि कॉल का बटन नहीं आ रहा है, हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन वहां पे कॉल का बटन मेरे वाले में आ रहा है, लेकिन आप उस पे जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने आपका मैसेज देखा था, जैसे आप उस पे क्लिक करोगे कॉल के बटन पे, तो वहां पे ये होगा कि आप मुझ वहां पे लिखा हुआ जाएगा कि आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे, और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ भी। हेलो हाँ मैं बोलो हाँ वो स्नैप स्नैप
पॉइंट जो मिले थे उसका यूज क्या है? स्नैप पॉइंट का यूज है कि अगर 1000 स्नैप पॉइंट्स हो जाएंगे ना 1000, तो उसको आप 100 यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बेच सकते हो, यानी लगभग लगभग 7500 रुपए ले सकते हो उससे। ये है स्नैप पॉइंट्स का यूज। एलेक्स 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 सॉरी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिटमैक्स में जैसे फीस होता है ट्रेडिंग का, इसमें फीस का क्या इशू रहता है? हम लोग यहाँ पे फीस का क्या रहता है स्नैपएक्स के अंदर, कि स्प्रेड तो जरूर रहता है, स्प्रेड का थोड़ा सा हाई रहता है सब, तो ये लोग क्या करते हैं उसी में ही फीस ले लेते हैं अपनी, ऐसा है कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, अगर आप यूएसडीटी को बाय करते हो या सेल करते हो ना, अगर आप सेल करते हो तो उनकी फिक्स रेट रहती है 78 रुपीज। ठीक है, मतलब कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं एग्जैक्टली, और रेट का जो है आपसे ऐसा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते, बस वो जो है स्प्रेड वैल्यू जो आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप पर ट्रेड प्लेस करोगे तो उसका कुछ स्प्रेड इनको देना पड़ता है, दैट्स इट। जो बाकी सारे ब्रोकर्स के साथ है वो इनके साथ है। ओके, और विड्रॉल का क्या सीन रहता है सर? इसका क्या विड्रॉल का कितना फास्ट है, क्या है विड्रॉल इसका है? मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है ना, मैनुअल विड्रॉ है, मतलब यहाँ पे एक नंबर होगा, जैसे आप विड्रॉ में जाओगे ERC-20 करके एक सेक्शन होगा, वहां पे मैनुअल विड्रॉ का सिस्टम है। मैनुअल विड्रॉ मतलब वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप के नंबर पे आपको ये पूछना है कि सर मुझे विड्रॉ चाहिए, देन उनको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप विड्रॉ कैसे ले सकते हो। वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे ERC-20 का एक कोड देंगे आपको, तो मुझे पैसे भेज दो, फिर वो आपको तुरंत के तुरंत पैसे भेज, तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में डाल देंगे डायरेक्ट, मतलब कोई झंझट नहीं, सीधा आपके अकाउंट में पैसे। आप उनको ERC-20 पेमेंट एजेंट, एज ए पेमेंट एजेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या ना, ये जो एप्लीकेशन है Binary.com में हम वो लेते हैं, जैसे विड्रॉल Binary.com में लेते हैं हम इस तरीके से। एक्चुअली क्या ना एलेक्स जी, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ का नहीं है, बाहर का प्लेटफॉर्म है, तो इनके पास यहाँ का कोई पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लोकल डीलर से इन्होंने हैंडल कर रखी है सारी चीजें, एक लोकल डीलर है जो मैनुअली हैंडल करता है। बट मैंने अभी स्नैपएक्स से अभी तक 3000 से 4000 USDT का विड्रॉ लिया है, बट मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लगभग 1 से 2 घंटे में विड्रॉ दे देता है वो, 1 से 2 घंटे में। ओके, थैंक यू सर, वेलकम। ठीक है गाइज, मुझे लगता है हमें स्टॉप करनी चाहिए क्योंकि और कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। भगवान अनुज जानिश पटेल, जैनिश पटेल और सुधीर कश्यप, कुलदीप चौधरी, इफ एनीबडी आस्क तो वो पूछ सकते, पिंटू जी भी पूछ सकते हैं अगर। हाँ हेलो 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 हेलो, हम सर आवाज आ रही है? हाँ जी पिंटू जी आवाज आ रही है, पूछिए आप। ये हर वीक में 3-4 वीडियो आएंगे। ये जो है डेडिकेटेडली स्नैपएक्स के लिए मैंने कोर्स रखा था, एक छोटी सी कोर्स रखता हूँ जिसमें सारे आपको चीजें बताता हूँ स्नैपएक्स रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने रखा था। ऑलिम ट्रेड का मैं आपको एग्जैक्टली नए वाले सेशन में बताऊंगा, वहां जो पूछना है आपको पूछो। आपको स्पेशली मुझे नाम याद हो गया आपका पिंटू, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा। जी बिल्कुल। ओके 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 गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस, आप सारे के सारे जुड़े यार इस कोर्स के साथ। और अगर इसके बाद कोई क्वेरी होती है आपको। हाँ जी हाँ जी हेलो सर जी, हाँ जी जैनिश पूछे। हाँ सर, तो मेरा सवाल था कि सर MT4 और स्नैपएक्स में जो बिग मतलब जो सबसे ज्यादा फर्क क्या है इतना? नहीं, MT4 क्या है, टर्मिनल है, है ना? MT4 एक टर्मिनल है, मतलब मैं एक सीधी सी भाषा में बताऊं तो देखो, हाँ। एक बिस्किट कंपनी होती है कोई, है ना, एक बिस्किट कंपनी है, और तो उसकी क्या है ना, वो एक कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे निकालती है। जैसे कि पार्ले जी है, पार्ले जी एक प्रीमियम भी आता है, गोल्ड भी आता है, छोटे पैकेट्स भी आते हैं, बड़े पैकेट्स भी आते हैं। स्नैपएक्स क्या है, स्नैपएक्स ऐसे समझ लो कि उन सारे जो बिस्किट्स हैं उनकी वैरायटी है, और MT4 जो बिस्किट की कंपनी है, मतलब कहने का मतलब है कि MT4 एक हब हो गया, एक एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां से लोग टर्मिनल से लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये जो कंपनीज हैं छोटी मोटी, जैसे ये स्नैपएक्स हो गई, बाकी बहुत सारी कंपनीज है, ये सारे क्या करते हैं ना, उससे यूज करते हैं, लाइक उनकी सर्विसेज यूज करते हैं MT4 MT5 एक तरीके से। तो ये हो गया, जैसे गूगल का एक गूगल एक अल्फाबेट के नीचे काम करते हैं, गूगल और यूट्यूब और ये सारे प्लेटफॉर्म, तो पेरेंट और चाइल्ड वाला सिस्टम रहता है ना, वो सिस्टम है। MT4 एक तरीके से सबका हब हो गया, और बाकी सारी छोटी मतलब इससे नीचे होगी।
इस तरीके से. ओके तो सर सबसे बेस्ट देखो कौन सा रहेगा? सबसे बेस्ट तो यार देखो, सबसे बेस्ट तो मुझे वो लगता है जिसमें विड्रॉ आसानी से आ जाता है. मेन तो कंसर्न विड्रॉ का ही आता है और स्प्रेड कम होता है. तो स्प्रेड में देख स्नैपएक्स ठीक है, क्योंकि स्प्रेड तो यार हर जगह प्रॉब्लम करता है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा इसका विड्रॉ सिस्टम. क्योंकि इसमें मतलब कोई झंझट नहीं कि आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, आपको इसके पास जाना पड़ेगा. एक मैसेज करो आपके पास, आपको डिपॉजिट भी एक मैसेज पे जाता है, हो जाता है, और विड्रॉ भी एक मैसेज पे हो जाता है. हाँ कभी कभी वो बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो मतलब एक घंटे में आपका रिप्लाई करता है, कभी दो घंटे में, लेकिन जरूर कर देता है रिप्लाई. ऐसा है. थैंक यू सर. अरे ऑलवेज वेलकम ब्रदर. ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस. यहाँ पे जुड़ने के लिए यार आप सबको धन्यवाद. और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे ऐसे सेशंस लेंगे, स्नैपएक्स के नहीं, बाकी सारे सेशंस और भी बहुत सारे सेशंस लेंगे. ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और जो वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन. स्नैपएक्स रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके मिली है, तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को. लाइक कर दी होगी यार आपने यूट्यूब पे हो, और कमेंट कर दो अच्छी सी प्यारी सी, शेयर करो वीडियो को. एंड फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.